दोस्तों बजाज ने रिसेंटली पल्सर NH 200 के ऊपर दो नया कलर लॉन्च कर दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो पर्टिकुलर कलर स्कीम आप देख पा रहे हो, ये है आपका कॉकटेल वाइन रेड, और एक नया कलर स्कीम है विच इज़ पीटर ग्रे कलर। पीटर ग्रे कलर का एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव है, आप लोग जाके वो चेकआउट कर सकते हो। आज मैं ये पर्टिकुलर कॉकटेल वाइन रेड कलर का एक फुल डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू करने वाला हूँ। बाकी इस बाइक का कितना ऑन रोड प्राइस है, कितना माइलेज आपको इस बाइक से मिल सकता है, क्या क्या फीचर्स वगैरह मिलता है, सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो के दौरान आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं न्यू लॉन्च 2023 बजाज पल्सर NH 200 कॉकटेल वाइन रेड कलर के बारे में। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल के रहते हो तो डेफिनेटली आप रोल्टा बजाज कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं अभी हूँ मधुमग्राम ब्रांच में। आप अगर नियरेस्ट मधुमग्राम या फिर बारासात के रहने वाले हो तो डेफिनेटली आप मधुमग्राम ब्रांच में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए इसका फुल डिटेल वॉकअराउंड फटाफट शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कलर स्कीम एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप लोगों को याद है मैं कुछ दिन पहले एक नया एवेंजर 160 स्ट्रीट का वीडियो डाला था। वो जो एवेंजर 160 स्ट्रीट में जो कलर है काइंड ऑफ वही कलर आपको ये NH 200 में भी देखने को मिल रहा है। ये है आपका कॉकटेल वाइन रेड कलर। वैसे अभी मिलने वाला कलर स्कीम की अगर बात करें तो टोटल आपको अभी चार कलर स्कीम देखने को मिल रहा है। कॉकटेल वाइन रेड, पीटर ग्रे कलर, ये जो कलर आप देख पा रहे हो पीटर ग्रे कलर, और दो कलर आता है इबोनी ब्लैक और मेटेलिक पर्ल वाइट। चारों कलर स्कीम का फोटो आपका स्क्रीन पे अभी आपको दिख रही होगी। वैसे कॉकटेल वाइन रेड कलर आपको कैसा लग रहा है आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। पूरा नया डिकेल्स है जो आपको NH 200 सीरीज़ में अभी 2023 में ये NH 200 लॉन्च हुआ है। लाइक ये मतलब ये USD सस्पेंशन के साथ, डुअल चैनल एबीएस के साथ, वो नया NH 200 में जो आपको डिकेल्स देखने को मिला था वही डिकेल्स आपको ये कॉकटेल वाइन रेड में भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे व्हाइट का डिकेल्स दिया गया है, इधर थोड़ा ग्रे कलर, मेटलिक ग्रे कलर के साथ यहाँ पे थोड़ा व्हाइट कलर का डिकेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। NH 200 का यहाँ पे आपको स्टिकरिंग दिख रहा होगा। और प्राइस की अगर बात करें तो इसका पहले मैं आपको एक शोरूम प्राइस मेंशन कर रहा हूँ। 1,49,000 अप्रॉक्सीमेटली इसका एक शोरूम प्राइस है कोलकाता में। और ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो 1,80,490 के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस है कोलकाता में। बाकी चलिए इसका एक छोटा सा वॉकअराउंड आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है ये फुल्ली हैलोजन हेडलाइट सेटअप के साथ आता है। जैसे आप इग्निशन को ऑन करते हो यहाँ पे दो पायलट लैंप ऑन होता है, और जैसे आप बाइक को स्टार्ट करते हो तब इसका मेन हेडलाइट सेटअप ऑन होता है। एक बार मैं आपको स्टार्ट करके इसका लाइट सेटअप और एग्जॉस्ट नोट दोनों चीज़ जो है एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये आप देख पा रहे हो इसका मेन हेडलाइट सेटअप विथ बल्ब ब्लिंकर्स। यहाँ पे आपको बल्ब ब्लिंकर्स ही देखने को मिलता है जो डेफिनेटली फ्लेक्सिबल है। उसके साथ साथ एक बार आप इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लो, अंडर व्हील एग्जॉस्ट मिलता है। एक बार एग्जॉस्ट नोट मैं आपको सुना दे रहा हूँ। NH 200 का एग्जॉस्ट नोट आपको कैसा लगता है आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। उसके साथ साथ नियर स्टिकरिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये आपको तो पता ही है USD सस्पेंशन के साथ ही आ रहा है। मतलब 2023 में ये अपडेट मिल चुका था USD सस्पेंशन। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS का ब्रांडिंग भी दिख रहा होगा। और फ्रंट में आपको 300mm का डिस्क मिलता है, वो भी ग्रेमिका कैलिपर के साथ डुअल चैनल ABS का स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। और ये आपका एंड्योरेंस का अपसाइड डाउन फोग है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे मडगार्ड के ऊपर आपको डुअल चैनल ABS का ब्रांडिंग दिख जाएगा। मडगार्ड जो है थोड़ा सा कार्बन फाइबर फिनिश के साथ आता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका बाइक का नंबर प्लेट फिट होगा। यहाँ पे एक छोटा सा मीटर सील भी देखने को मिलता है। वैसे टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो 100x80 सेक्शन का आपको यहाँ पे टायर मिलता है। यूरो ग्रिप का टायर यहाँ पे दिया गया है, 100x80/17 का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। और यहाँ पे आपको नया व्हाइट कलर में स्टिकरिंग भी दिख रहा होगा। उसके साथ साथ पेरीमीटर फ्रेम आपको NH 200 में देखने को मिलता है, आपको पता है। और ये बाइक एक्चुअली हाईरेव इंजिन है, तो बेसिकली आप जब इसको राइड कर रहे हो या फिर आप जब इसको लेके कॉर्नरिंग कर रहे हो तब इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। मतलब इस बाइक का जो बैलेंस है वो काफ़ी हद तक जो है बढ़ जाता है ड्यू टू ये पेरीमीटर फ्रेम के वजह से। उसके साथ साथ 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और ये कॉकटेल वाइन रेड कलर बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप लोग एक बार जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा ये ग्रे कलर मतलब पीटर ग्रे कलर आपको अच्छा लग रहा है कि ये कॉकटेल वाइन रेड कलर आपको अच्छा लग रहा है। पल्सर का 3D बैजिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 35 km/h का माइलेज आपको इस बाइक से मिल सकता है। और ये बाइक E20 फ्यूल को भी सपोर्ट करती है, तो E20 फ्यूल से भी आप चला सकते हो, नॉर्मल फ्यूल से भी आप इसको चला सकते हो। यहाँ पे आपको 200 का स्टिकरिंग दिख रहा होगा, पूरा डार्क
रेड कलर में स्टिकरिंग दिया गया है और ये आपका वही इंजन है 199.5 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 वाल्व DTSI विथ ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन आपको देखने को मिलता है विच इज़ BS6 फेस 2 कंप्लाइंट। उसके साथ साथ 24.5 PS की पावर मिलती है, 18.74 Nm का टॉर्क मिलता है, 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है, लिक्विड कूल इंजन है तो रेडिएटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फ्लैट रेडिएटर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और इस बाइक का अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 168 mm इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट की अगर बात करें तो 805 mm इसका सीट हाइट है। वेट की अगर बात करें तो 158 kg इस बाइक का वेट है। और ये निया डिकैल्स तो मेरे को बहुत ही सुंदर लग रहा है एक्चुअली, ये कॉकटेल वाइन रेड कलर के साथ ना ये डिकैल्स मेरे को बहुत ही सही लग रहा है। और ये एक्चुअली आपका मेटालिक कलर है, ये जो रेड कलर आप देख पा रहे हो ये आपका मेटालिक कलर है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ बट अभी थोड़ा डार्क एरिया है तो मैं आपको उतना सही से दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट आप अगर सामने से देखोगे आपको पता चलेगा फुली मेटालिक कलर है। स्प्लिट सीट सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जिसका जो कम्फर्टनेस है वो काफ़ी तगड़ा आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्प्लिट ग्रैब रेल दिख रहा होगा, उसके साथ साथ पीछे में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलता है जो मल्टी स्टेप एडजस्टेबल है। अंडर बेली एग्जॉस्ट है आपको ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये आपका अंडर बेली एग्जॉस्ट। पीछे में आपको 230 सेक्शन का डिस्क मिलता है वो भी ग्रेमिका कैलिपर के साथ और डुअल चैन ABSI स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रियर टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो 130x70/17 का आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिलता है और रिम का जो कलर है आपका डीप ग्रे कलर में यहाँ पे आपको रिम देखने को मिलता है। यही रिम आपको पल्सर F250 एंड N250 में देखने को मिला था, मतलब पहले जो NS आता था उसका रिम थोड़ा भारी था, ये थोड़ा लाइट वेट रिम है। ग्रेमिका कैलिपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको टायर हगर दिख रहा होगा। पीछे यहाँ पर भी एक छोटा सा मडगार्ड दिया गया है। LED टेल लाइट तो आपको मिलता ही है NS में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके साथ साथ बल्ब ब्लिंकर्स यहाँ पे आपको टोटल 3 रिफ्लेक्टर आपको पीछे में देखने को मिलेगा और ये आपका फुल्ली ओपन चेन के साथ आता है तो चेन को आपको थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड दिख रहा होगा, उसके साथ साथ साइड स्टैंड विथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिल जाता है, उसके साथ साथ मिडिल स्टैंड भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मिडिल स्टैंड लगा के आप इसका चेन जो है आराम से लूप कर सकते हो। 6 स्पीड गियरबॉक्स है, आपको यहाँ पे सिर्फ 2 शिफ्टर मिलता है और यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड क्रैश गार्ड भी देखने को मिल जाता है। फ्यूल इंजेक्शन का स्टिकरिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और ये ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी के साथ आता है। बजाज जो है अभी भी NS और RS में ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है लाइक DTSI टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें आपको सारा चीज़ मिल जाता है, लाइक आपको यहाँ पे गियर पोजिशन इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पे टाइम, इधर आपका स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी भी देखने को मिलेगा। ट्रिप 1 में आपको कितना एवरेज मिल रहा है वो देखने को मिलेगा, ट्रिप 2 में आपको कितना एवरेज मिल रहा है वो देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डिस्टेंस टू MT भी देखने को मिलता है, ये आप देख पा रहे हो। उसके साथ साथ सर्विस रिमाइंडर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इधर है आपका बाइक का फ्यूल गेज, इधर है आपका एनालॉग में टैकोमीटर दिया गया है, इधर आपका ABS का सिग्नल, टेल लाइट्स की अगर बात करें तो न्यूट्रल का सिग्नल, इंडिकेटर का सिग्नल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इधर है आपका हाई बीम का सिग्नल, बैटरी सिग्नल, ये है आपका ऑयल चेक लाइट, कूलेंट टेम्परेचर, इंजन मालफंक्शन, बजाज का लोगो आपको यहाँ पे जलता हुआ दिख रहा होगा। उसके साथ साथ दिस इज़ द हाई सीप RPM लिमिटर का सिग्नल और यहाँ पे आपको बैकलेट स्विच पैनल भी मिलता है, तो इंजन किल स्विच यहाँ पे मिलता है, सेल बटन, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न भी जो है डेफिनेटली लाउड है। दिस इज़ द डिपर बटन। क्लच की अगर बात करें तो मीडियम सॉफ्ट क्लच यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। मिरर वगैरह जो है सही है, आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिल जाता है। वैसे इसका अगर राइड रिव्यू आपको देखना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वैसे आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट करके बताइएगा आपको ये कॉकटेल वाइन रेड कलर अच्छा लगा कि आपको ये पीटर ग्रे कलर अच्छा लगा। पीटर ग्रे कलर का एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे, टाटा गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।